हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हमारी प्यारी सी जनता, हो सकते हो मैं मचा रहे हो भाई लोग। तो देखो अभी न्यू डे न्यू ब्लॉग है, ऐसे डे तो है नहीं, इवनिंग हो चुका है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई दिन भर तो कोई शूट होता नहीं है, दिन भर धूप रहता है तो निकलते हैं नहीं, तो शूट होगा क्या। तो अभी हम लोग मतलब हम और अंकित अंकित भैया को अगर नहीं जान रहे हो तो मेरा प्रीवियस वाला ब्लॉग देख लो, पता चल जाएगा प्रीवियस कुछ ब्लॉग में होगा वो। तो या तो अभी हम लोग बस ऐसे ही शाम में घूमने घामने निकले थे, तो या बस चिल आउट, समझ रहे हो बात को, तो वो करने के लिए लोग आ गए थे। और बस भाई यहाँ जो सुकून मिल रहा ना, हाँ क्या ठंडा ठंडा हवा चल रहा है भाई, तो दिन भर जो गर्मी लगता है ना, मतलब अलग लेवल का गर्मी रहता है, मतलब हम वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में, ठीक है। और ये जो गाड़ी वाला गया है, ये बहुत गंदा सा आवाज़ आया होगा तुम लोग को, ठीक है, नॉइज़ बहुत गंदा हुआ होगा, तो सो सॉरी फॉर दैट। एंड द थिंग इज़ कि इसको चैन नहीं मिल रहा है, इस प्राणी को वहाँ घूम रहा है, ठीक है, इसको जाना है आइसक्रीम खाने, मतलब इतना अच्छा हवा, इतना अच्छा वाइब छोड़ गया भाई आइसक्रीम खाने, ठीक है गाइस कोई बात नहीं, ऐसे भी यहाँ 10 मिनट बैठ चुके हैं तो देखते हैं, लेट्स गो। हाँ वहीं से और मारते आओ। हाँ तो यह द थिंग इज़ दैट, अब चलो देखते हैं यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे तुम लोग से गाइस, ओके बाय। चीज़ देखे कि नहीं देखे, रेड लाइट, हाँ उसको कब का देखे, यहाँ भी लग गया, उधर उस साइड भी लगा था, रेडे लग भी यार, हाँ बस खाली रेडे लगा, यही बात है, यही बस रेडे लगाया और ग्रीन और येलो का कोई मतलब नहीं, बस यहाँ रेड लाइट लगाया है और हमको पता है क्यों लगाया है, बताइए क्यों लगाया है। अरे यहाँ सिटी का ट्रैफिक है, ट्रैफिक यहाँ पे मोड़ है, तो इस मोड़ पे बहुत गंदा स्पीड से लोग टर्न करता है, खासकर ट्रक वगैरह भी, तो इस वजह से यहाँ रेड लाइट लगा दिया है कि भाई समझ जाओ आगे टर्न है, स्लो कर लो, आज एक्सीडेंट होता ही रहता है, तो यार द थिंग इज दैट टूटे हुए थे पूरे रोड में, हाँ जो भी था कल यहाँ पकड़ा था, पता टोटो और ऑटो पकड़ रहा था, आज पकड़ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कल पकड़ रहा था, हाँ नहीं जरूरी वैसा था, नो एंट्री बुला देता। देखो भाई यहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ है, ठीक है, देखो बैरिकेडिंग लगा हुआ है फिर भी लोग घुसाएगा, कल पकड़ाया तभी समझ में नहीं आया, सही है फिर किस दिन पकड़ेगा, फिर फाइन देगा, सो जाएगा तुम भी, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, स्पीड देख रहे हो आइसक्रीम के लिए, स्पीड देखो, कंट्रोल भाई साहब कंट्रोल, हाँ ये हुआ ना बात सवास, हो गया भाई साहब, अलग चूल है, मौज देख रहे हो गाइस, शांति मिला कलेजे को, ठंडक अभी तो नहीं मिला, नहीं मिला पता नहीं कैसे मिलेगा, बट मिल जाएगा, 5-10 के बाद नहीं गए, उतना मेरा तो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम आइसक्रीम उतना खा सकते, अरे आइसक्रीम अच्छा है भाई खा सकते हैं, अभी हम कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, एक बहुत ही बढ़िया इंसान है मेरे लिस्ट में जिसको मेरा याद आ गया, अब वो कॉल करी और हम देखे भी नहीं, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था और उसके बाद चिक के तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था क्लिप, वेरी गुड चीयर्स भाई चीयर्स, बहुत अच्छा काम किया तुम, बाय गाइस। एक वो चीज़ का रिकॉर्ड, मतलब हम बताते हैं क्या हो सकता है, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए बट एक रिकॉर्ड जो है वो कभी नहीं टूटने वाला, वो है सामने वाला जो फाटक है, आगे एक फाटक है, ठीक है, जब आओ तुमको बंद मिलेगा, अगर जिस दिन खुला मिल गया तो तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, आज तुम किसी बहुत अच्छे इंसान का मुंह देख के उठे होगे, लेकिन जो मतलब वो दिन बहुत ही रेयरली आता है, एक चीज़ हम पहले बताते हैं, वरना हमेशा बंद मिलेगा तुमको, चलो अभी दिखा रहे हैं आगे तुम लोग को, बंद ही होगा, इतना ट्रैफिक है तो इसका मतलब बंद है, ओ भाई साहब बंधन गाइस, अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है भाई, वाओ गुड्स, आओ इसे पार किया जाए, अच्छा है हम लोग किसी गाड़ी से नहीं है बट ठीक है। क्या पंडित जी का हाल चाल, हाँ भाई अनब्रेकेबल एकदम, बट हम लोग भी पार करेंगे, हम लोग भी पार करेंगे गाइस, जब बनल था वी क्रॉस इट, यस, और जय श्री राम मंदिर है, तुम लोग भी बोल लो देख लो बोल लो,
एंड 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 एक चीज़ और, आज हम इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी डाले थे, मतलब मेरा और मेरे फ्रेंड का कुछ चैटिंग था तो कसके शॉट हम डाले थे, तो उसमें हमारा एक फ्रेंड ऑफेंड हो गया, बोला भाई ये सब मत करो, ये सब अच्छा नहीं लगता है एंड समथिंग लाइक दैट। भाई देखो, अपना रिलीजन को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है, हर तरीका बढ़िया है, तो इसलिए किसी कोई भी बुरा या ख़राब तरीका नहीं हो सकता है। पंडे यहाँ क्या बोले पता चला सुने? बोले आप एनी टाइम रिकॉर्ड करते रहते हैं क्या? हाँ हम करते रहते हैं, जस्ट बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर। हाँ फाटक खुल गया है, इतना धड़ाधड़ धड़ाधड़ गाड़ी आया कि मेरा आवाज़ ही नहीं सुनाई देगा तुम लोग को। हाँ देखो देखो, गाड़ी इधर से जाएगा उधर से आएगा, धड़ाधड़ गाड़ी आएगा, उसका कोई अंत नहीं है फिर उसका। हाँ वेरी गुड, अब या तो मेरा आवाज़ सुनो या गाड़ी का आवाज़ सुनो। ऑब्वियसली गाड़ी का आवाज़ सुनो तो आते नहीं हो चैनल पे, मेरे आवाज़ सुनना है तो रुको, सब क्लियर हो तो फिर कुछ बातचीत होता है। फिर सो गाइस, इस चेहरे को ध्यान से देख लो, ठीक है? हाँ हमको देख रहा है ऑडियंस। हाँ तो बात यह है कि एक और ट्रिप प्लान हो रहा है। तो थिंग इज कि वाराणसी जब से हम कटवा के आए ना, उसके बाद से मेरा एक जरा मूड नहीं कि हम कहीं जाए सुल्तान के साथ। बताओ वाराणसी जगह में हम कटवा के आए भाई, वाराणसी जैसा जगह घूमने गए थे, फिर घूमने गए थे, गजब वाला बात है, एग्जाम देने गए थे। हाँ हाँ एग्जाम देने, हम घुमाएंगे लेकिन बस 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 ठंडा बस हो गया। कमेंट करो फिर से कटवाने जाएं या नहीं जाएं। अभी अमेरिका लोकेशन कुछ और होगा, वैसे कुछ खास लोकेशन नहीं है ना, ठीक है, जैसा भी है अगर होगा तो पता चल ही जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा और क्या। बट हलाल तो उसी को होना है। किसको होना है? हम ना होंगे, भूल जाइए। क्या नेक्स्ट वाराणसी पे? नेक्स्ट वाराणसी वाला अगर दिया, हाँ वो गर्मी के बाद, गर्मी में तो मरने नहीं जाएंगे वहाँ। हलाल हम होंगे नहीं, गजब वाला बात है। ऐसे भाई वाराणसी का ट्रिप हमको करना है, बहुत जल्दी करना है। फिर से कटेगा, क्या होगा क्या होगा? कैमरा बोलिए। नहीं गाइस इतना आसानी से थोड़ी कटने देंगे। वाराणसी ऐसे हमको जाना तो है भाई, बहुत जल्दी ही जाने वाले हैं, मे भी गर्मी के बाद जाएंगे, बट जाएंगे तो ज़रूर। यस जनवरी फरवरी में प्लान था बट नहीं जा पाए थे, बट अब हमको जाना तो है भाई। प्रॉपर दो दिन तीन दिन के आसपास का एक ट्रिप मारेंगे, अच्छा से कवर किया जाएगा उसको। यस दैट्स द थिंग। फिलहाल अभी तो डेट रिलीज़ नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि हमको खुद नहीं पता है तो, या बट फिर भी हाँ वाराणसी का एक ट्रिप होगा, फिर मे भी कोलकाता का एक ट्रिप होने वाला है अभी रिसेंट में, अगर कुछ है काम वहाँ पे। सो यस, अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है तब तो फिर भाई। तो आई एम बैक होम और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हाँ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अभी मेरे पास और भी बहुत सारा काम है, जस्ट लाइक हमको अपना कपड़ा खुद से धोना पड़ता है तो वो हमको धोना पड़ेगा। तो यस कपड़ा धोना थोड़ी दिखा देंगे भाई। तो द थिंग इज दैट अब इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं कल न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक कीप लविंग, कीप स्माइलिंग एंड न्यू ट्रिप प्लान किया जा रहा है। थामो थोड़ा सा, मतलब पहले देवघर वाला सीरीज कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ एक ट्रिप करना है, बट हम थोड़ा सा मतलब नहीं चाह रहे हैं कि गर्मी में कहीं ट्रैवल किया जाए, बट ठीक है लेट्स सी क्या होता है कैसे होता है, बट जैसा होगा अपडेट कर देंगे। सो ये दैट्स द थिंग, तो देख लिखी लोगों की छोड़ के इस्तेमाल जल्द मिलते हैं।